आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बिचारी कल कुएं में डूब कर। है धरी सिर पे बिनोले कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरयू पार की मोनालिसा। कैसी ये भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल को ये वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को, डूबते सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए ये आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से अनभिज्ञ कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरयू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार्य इसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मोद में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोश का सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बड़ के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। हो कोई संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहु बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से, बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए सरपंच की दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोंक कर। क्या कहें सरपंच भाई, क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गई है सीप की मोती गवारों के यहाँ। जैसे बल खाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ पुट्ठे पर न रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरयू पार अपने शाम से टकरा गए, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मर्दूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर खू उसकी शह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात इस लहजे में थी कि ताव सबको आ गया, जैसा स्वाभाविक है उठकर हाथ मूछों पर गया। वह क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया ना उस तूफान में अब जोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य ही कुछ और था। सिर पे टोपी बैंत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई तोलकर। गिर पड़ा तो बढ़ के सिर पे बूट से ठोकर दिया, बोला साले माल जो चोरी का था वो क्या किया, कैसी चोरी माल कैसा। जैसे उसने ये कहा एक लाठी और पड़ी और होश भी जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह पर थूक दो, आग लाओ और इसकी झोंपड़ी को फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोंपड़ी जलने लगी। दुदमुआ बच्चा वो बूढ़ा जो वहां खेरे में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलता देख वे होश थे खोने लगे, कुछ तो चुप बैठे रहे कुछ जोर से रोने लगे।
कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि घबराए नहीं, हुक्म जब तक मैं ना दूँ कोई कहीं जाए नहीं। ये दरोगा जी थे मुँह से शब्द झड़ते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दे, होश में आया नहीं मंगल कहूँ तो छोड़ दे। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, कैसा है कहिए ना सरयू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोपकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छाँव में, गांव जिसमें आज पांचाली उघारी जा रही या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कृष्णा आज रोटी के लिए। मैंने कहा था मैं भावुक हो जा